नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और वाम दल के नेता रहे कन्हैया कुमार ने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उनके साथ जिग्नेश मेवानी भी मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली। उन्होंने कहा कि वो वैचारिक रूप से कांग्रेस के साथ है। इस दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने खुद दोनों नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। इससे पहले दिल्ली में शहीद आजम भगत सिंह पार्क में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान तीनों नेता एकजुटता दर्शाते हुए एक दूसरे का हाथ थामे भी नजर आए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्हैया कुमार के राजनीतिक सफर के बारे में। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष से कांग्रेस में शामिल होने तक कन्हैया कुमार का पूरा सफर। कन्हैया कुमार का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के गांव में हुआ। ये गांव तेघरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां सीपीआई को काफी समर्थन दिया जाता है। कन्हैया कुमार के पिता जयशंकर सिंह को पैरालिसिस है और वो काफी सालों से बिस्तर पर ही हैं। कन्हैया कुमार की माता मीना देवी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वहीं उनके बड़े भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। कन्हैया की पढ़ाई बरौनी के आरकेसी हाई स्कूल में हुई। इलाका इंडस्ट्री से भरा हुआ है। साल 2015 में जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद से कन्हैया कुमार को बतौर छात्र नेता पहचान मिली। इसके बाद एक साल बाद कैंपस में कथित देश विरोधी नारेबाजी के आरोप में जेल जाना कन्हैया के लिए सियासी वरदान साबित हुआ। इस पूरे घटनाक्रम ने कन्हैया को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और वो छात्रों की आवाज बनकर उठे। देश विरोधी नारेबाजी के केस में अब भी कानूनी लड़ाई जारी है और ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान स्थापित करने के बाद 2018 में सीपीआई ने कन्हैया को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया। छात्र नेता से नेता बने कन्हैया ने 2019 में बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ अपने गृह जिले बेगूसराय में बड़ी हार का सामना भी करना पड़ा। कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में एक नया नाम है, क्योंकि उन्होंने वहां सिर्फ एक लोकसभा चुनाव लड़ा है, जिसमें भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। वो अपने बयानों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के कयास काफी पहले से ही लगने लगे थे, लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कन्हैया कुमार कांग्रेसी हो गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।